गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स स्टडी करे थे। हम न्यूट्रिएंट्स में तो हमारा सबसे जो मेन न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फूड के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये फाइव टाइप के आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। की हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या कर सके, कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके और कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी की, वो हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही कंप्लीट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जो फूड से एनर्जी मिलती है, यानी जो एनर्जी हमें मिलती है वो सिर्फ कौन किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दिस फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जितने भी वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेनली जो उनका फूड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। मेनली किसको ईट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। बिकॉज सबको क्या है, वर्क के लिए, अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल शुगर। की ग्लूकोज जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंपल शुगर्स का। बिकॉज ये क्या हो जाती है, आप इन ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होती है, आपको फीवर वगैरह हो जाता है, तो आप क्या कर पाते हो, मतलब फूड ईट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज देता है। ठीक है, क्या देते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, वो कहाँ जाती है आपके, डायरेक्ट नर्व्स के थ्रू जाती है। तो नर्व्स के थ्रू वो क्या जाते हैं, किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर एंटर कर जाती है, वो ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाती है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी ब्लड क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका ब्लड क्या करता है, ब्लड कहाँ होता है, आपके हर एक बॉडी पार्ट तक सप्लाई होते हैं। तो ब्लड के साथ साथ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या हो जाएगी, हर एक बॉडी पार्ट्स तक क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक बॉडी पार्ट्स को अब ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी। द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकोज इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड दिस सेम फंक्शन इज ऑल्सो ऑफ आवर फूड। ठीक है, फूड का भी यही फंक्शन होता है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। एंड द सेम फंक्शन इज ऑफ ग्लूकोज, की ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी। तो हमें उस टाइम पे जो, जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं, जब हमारी तबीयत ज़्यादा डाउन होती है, तो उस टाइम पे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज। अदरवाइज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिंपल शुगर्स को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी कौन सी होती हैं, कि जो हमारे इजिली क्या हो जाए, डायरेक्टली क्या हो जाए, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, कि ग्लूकोज हमारा क्या हो जाता है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, सिंपल शुगर्स आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इमिडिएटली। इमिडिएटली मतलब उसी टाइम। ठीक है, जस्ट जब आप क्या करोगे, ग्लूकोज जब आप लोगे, तो उसी टाइम क्या हो जाता है, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक टीवी में ऐड आती है, आपने देखा होगा, ग्लूकोन डी, देखा है, ग्लूकोन डी। ठीक है, वो भी क्या होती है, क्या है, उसके अंदर भी ग्लूकोज ही है। ठीक है, तब क्या करते हो, जब आप उसको वाटर के अंदर मिक्स करके जब आप उसको ड्रिंक करते हो, तो वो क्या हो जाती है, इजिली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो ब्लड के हर एक ब्लड के साथ बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र। तो उससे आपको क्या मिल जाती है, इमिडिएटली एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या सिंपल शुगर्स। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक इन सॉलिड फूड आर इंजेक्टेड विद ग्लूकोज। कि जो हमारे जो पेशेंट होते हैं, जो आपके फूड ईट नहीं कर सकते, ठीक है, जो फूड को ईट नहीं करते, मतलब कई बार अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, तो सॉलिड फूड हम नहीं ईट कर सकते, तो इसीलिए उन्हें क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, ग्लूकोज का। क्योंकि उनके अंदर एक ग्लूकोज को इंजेक्ट कराया जाता है, किसकी हेल्प से, ग्लूकोज की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे टेबल शुगर, मिल्क एंड हनी आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल शुगर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल, आपके किसके एग्जाम्पल है, सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आपने क्या अंडरस्टैंड किया,
दैट आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, कि जिसको डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इजिली क्या हो जाते हैं ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल इसका स्टार्च, ठीक है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, पोटैटोज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी स्टार्च। तो किसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, तो ये क्या किए जाते हैं इनको, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें सबसे पहले किसमें ब्रेक डाउन किए जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होंगे और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देन क्या हो जाएंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब, ठीक है। देन वो किसके पास ट्रांसपोर्ट होंगे, ब्लड, और ब्लड के बाद कहाँ जाएंगे, पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इस प्रोसेस तक क्या काफ़ी टाइम लग जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। कि आपका फूड है जो वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में। तो इस प्रोसेस में क्या है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, कि हमारी डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते और इन्हें पहले क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। ओके, इज दैट क्लियर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, कि तब उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है। द स्टार्च गिव्स एनर्जी मच स्लोवली देन शुगर, इसीलिए जो हमारी स्टार्च क्या है, किसका एग्जांपल है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, और जो शुगर है वो किसका एग्जांपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। तो इसलिए जो स्टार्च है वो लेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट है यानी शुगर है जो, ठीक है, वो जल्दी क्या कर देगा, एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। वीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज आर सम फूड सोर्सेज दैट आर रिच इन स्टार्च, किन के अंदर क्या होते हैं, वीट, राइस, पोटैटो, सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी स्टार्च, यानी जब वो एनर्जी तो आपको प्रोवाइड करते हैं बट कैसे करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली क्या करते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्सेज है कि जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, जैसे सारे सीरियल्स होते हैं हमारे, जो अनाज होता है, ठीक है, शुगर है, बनाना, ठीक है, हनी, मिल्क, पोटैटो, ये सब सब किसके एग्जांपल आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स के ही हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी और सिंपल भी। अब देखो इसके रिमेंबर के अंदर सेलुलोज इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कि सेलुलोज अभी क्या होता है, सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सेलुलोज होते हैं वो आपको कहाँ मिलती है, ग्रीन, जैसे प्लांट्स होते हैं ना, जैसे प्लांट्स के अंदर तो मिलते मिलते हैं, उसके बाद जैसे जो हमारे जैसे पालक होती है, स्पिन, ठीक है, ऐसे जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर क्या मिलती है आपको, सेलुलोज। तो किसका पार्ट है ये, हमारी डाइट का पार्ट है वैसे तो, बट ये हमारी बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, तो इसलिए आपकी बॉडी को ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगी, तो डाइजेस्ट के बिना हमें कोई भी चीज़ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे फैट्स। फैट्स क्या हैं, कि जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते, तो ऐसे ही फैट्स भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड, फैट्स गिव ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी रिलीज बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे, सपोज हमने 1 किलोग्राम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिया और 1 किलोग्राम क्या लिया हमने, फैट्स, ठीक है, 1 किलोग्राम हमने, तो दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, बट जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी, सिर्फ 1 kcal, ठीक है, कैलोरीज में मेजर करते हैं एनर्जी को, ठीक है, या किलो जूल में, कैलोरी में ही हम मेजर करते हैं एनर्जी को, तो इससे तो कितनी मिल रही है, 1 kcal, सपोज करो, सिर्फ सपोज कर रहे हैं हम, लेकिन जो फैट से मिलेगी वो हमेशा कितनी मिलेगी, इससे डबल, ठीक है, क्या मिलेगी, जो हमारी फैट से एनर्जी मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, डबल मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो सपोज अगर कार्बोहाइड्रेट हमने 1 किलोग्राम ईट किया, तो उससे एनर्जी अगर सपोज करो 1 या 100 लगा लो, 100 kcal मिल रही है, तो फैट से उससे हमेशा डबल मिलेगी, 200 kcal मिलेगी। ओके, तो इसीलिए हमेशा हमें फैट्स पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, अगर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, कि फैट्स कैसे क्या करते हैं आपकी बॉडी को, कि प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका,
दैट ट्रांसपोर्ट सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, कि ब्रेन से सिग्नल लेके जाएगा हर एक बॉडी के पार्ट में और बॉडी के पार्ट से वापस कहाँ तक लेके आएगा, ब्रेन तक, ठीक है, वो होता आपका नर्वस सिस्टम। फैट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कि फैट्स आपका फिर फर्दर टू पार्ट्स का होता है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसे फैट्स भी आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स देखो, दीज आर यूजली सोलिड एट रूम टेम्परेचर, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर क्या होता है कि जो रूम का जो टेम्परेचर है ना, आपको उसको कोल्ड करना ना आपको उसको हीट प्रोवाइड करना, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कहीं पे भी ना उसको फ्रिज में रखना ना हमें उसको गैस पे रखना, ठीक है, तो दैट इज़ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे वो कैसे रहते हैं, हमेशा सोलिड, ना उनको गर्म करना होता है ना उनको कूल करना होता है, तो वो हमेशा कैसे मिलते हैं आपको, सोलिड, बिना गर्म किए बिना ठंडा किए, ठीक है, जैसे बटर और घी, ठीक है, तो वो कौन से फैट है आपके, सैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट, दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, की हमेशा कैसे रहते हैं, लिक्विड ही रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे वेजिटेबल ऑयल, कभी सोलिड फॉर्म में देखा है, नहीं देखा, तो जो सोलिड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं आपके, लिक्विड्स। वी गेट फैट्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, के हमें फैट कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तो कहाँ से मिलता है वो, फ्लावर प्लांट से, ठीक है, नट्स, आमंड। नेक्स्ट है एग, ओक, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये एग योक जो आपका, उसके अंदर क्या होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, घी और बटर, ये आप कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो इसीलिए हमेशा जो प्लांट, जो हमें फैट्स है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी।